नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। जमीन नामांतरण के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्वालियर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की है, जिसमें पिछले कई दिनों से किसान को परेशान करते हुए उससे 5,000 की रिश्वत जैसे ही पटवारी ने अपने हाथ में ली, लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पटवारी पर कार्रवाई करी। दरअसल ग्वालियर के पास भिंड जिले की गोहद तहसील निवासी फरियादी रवि बघेल द्वारा लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की गई थी कि पटवारी द्वारा जमीन नामांतरण के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। ऐसे में फरियादी पिछले काफी दिनों से परेशान था। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को टेप करते हुए फरियादी रवि बघेल को केमिकल लगे हुए 5,000 रुपए दिए थे और जैसे ही फरियादी रवि बघेल ने पटवारी के हाथ में 5,000 रखे, वैसे ही आसपास मौजूद लोकायुक्त पुलिस के लोगों ने पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया। क्या नाम है आपका भाई? रवि बघेल। कहाँ के निवासी? ग्राम बेसवारी पोस्ट। क्या हुआ है? की तो नामांतरण होना हो, पटवारी साहब का खाता रुपया मांगा थे 15-20 हजार। मैंने आज जो जाड़े के 5 छाए के 8 हजार में बात मने गई, तो आज मैंने घर आवाया था जन नमक पहुँचाया था। कहाँ पर पैसे मांगे? कहाँ बुलाया था आज आपको? घर पे। घर कहाँ इनका? घर है इनका पटरी रोड पे। देखो पटरी रोड पे है घर। कब से परेशान हो रहे थे आप? 2 साल है कहीं दादी जी, मेरा 10 साल है कि नामांतरण ये को पटवारी खाए वो 20,000 रुपये। ये कौन सा पटवारी? रंग आया लो पंकज खरवो। कहाँ का पटवारी? खंडवा से आठ का है। आपका जो किस जगह का है? ग्राम बेसवारी का है, सोनारी बेसवारी। गोते क्या किसानी करते हैं? कितने रुपए? गरीब आदमी है जो बहुत सताते हैं, कहा खाते हैं। पहले कितने पैसे ले लेने को? ले ला इसका टोटल 15,000 रुपया ले। आज कितने रुपए? आज 8,000 रुपये ले लिया। कहाँ शिकायत की थी आपने? कहाँ शिकायत की थी? मैंने शिकायत की थी लोकायुक्त ग्वालियर में, रंगे हाथों पकड़वा दिया। ये फरियादी रवि बघेल है जो गोहद उसमें आते हैं, तहसील के अंदर आते हैं। उनका गाँव बिशवारी है, जिसमें उनकी दादी की ज़मीन थी, राजा बेटी हैं, उनका देहांत हो गया था। उनकी ज़मीन उनके पिताजी बिशंबर सिंह बघेल के नाम से होनी थी, बहुत ही नामांतरण होना था। ग्राम बिशवारी में ज़मीन थी कुछ और सुनारी में ज़मीन थी। उसके फौती नामांतरण के लिए पटवारी पंकज खलको, जो पटवारी हल्का सुहास के पटवारी हैं, उनके द्वारा उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। तो टोटल 8,000 रुपये की बात की जा रही थी, उनसे मांगी जा रही थी। 8,000 में से 7,000 पे मामला उनका फिक्स हुआ और 2,000 रुपये इन्होंने ले लिए थे पहले से, तो 5,000 रुपये आज इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके कहाँ इनका निवास है? कहाँ से पकड़ा? इनका ये शताब्दीपुरम में है और ये अपनी गाड़ी पे ले रहे थे वहीं बाहर मेन रोड पे, वहाँ से इनको गाड़ी में से रंगे हाथों पकड़ा गया है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।